अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर गाइज, और मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को इतना सपोर्ट किया, अच्छे लाइक किए और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि मेरी पहली वीडियो को आप लोगों से इतना प्यार मिला है। गाइज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पहली वीडियो होगी और आप लोगों से इतना प्यार मिलेगा। गाइज, ये पूरा अनएक्सपेक्टेड। तो गाइज, आज का ये व्लॉग मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने टेरेस से, अपने घर के टेरेस से। तो गाइज, जैसा कि अभी न्यू ईयर चल रहा है, तो आज के इस मौके को थोड़ा यादगार बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए हम लोग जाने वाले कैफे। ऐसे तो गाइज, मैं कैफे कभी गया नहीं हूँ आज तक, मैं पहली बार जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कौन सी कैफे जाया जाए। तो मैंने बहुत देरी सोचा और मुझे एक कैफे का नाम पता चला जिसका नाम था स्काई व्यू, जिसको मैंने सिर्फ गूगल पर ही देखा है। गाइज, वहाँ पे गूगल पे उसका इंटीरियर भी इतना अच्छा था, मुझे वो कैफे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने अभी तक सिर्फ उसको गूगल पर ही देखा है। तो गाइज, आज हम लोग जाने वाले वही कैफे और देखते हैं वहाँ का क्या सीन होने वाला है और आप लोगों के साथ ही वहाँ का व्यू शेयर करेंगे। और एक बात, जो आज के दिन हम लोग जाने वाले हैं कोलकाता, क्योंकि न्यू ईयर में कोलकाता का व्यू गाइज बहुत ही इपिक व्यू मिलता है वहाँ का, और वहाँ पे तो ऐसे मैं कभी गया नहीं हूँ, आज जाने वाला हूँ, वहाँ का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइज, आप लोग वीडियो में बने रहें। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं घर से कैफे के लिए और हम लोग हो चुके हैं बहुत लेट, क्योंकि अभी बज रहा है रात के 7 और हम लोगों को 8 बजे तक वहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो कैफ़े बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है। तो अब आप लोगों से वहीं पहुँच के मुलाकात होगी। आप लोग वीडियो में बने रहे और इस राइड को एंजॉय करें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्काई व्यू कैफ़े। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ बाहर का व्यू है, पर यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया गाइस, क्योंकि कैफ़े पूरा का पूरा हाउसफुल था, न्यू ईयर का टाइम चल रहा था, एक अच्छा इवेंट था और रिसेप्शन काउंटर पे कोई भी बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अभी उस कैफ़े से, अब जाते हैं कोलकाता 46, क्योंकि हमने पहले ही एक ऑप्शन में रखा था, तो अब वहीं चलते हैं और अब आप लोगों से वहीं मिलते हैं। लोग देख सकते हैं अभी मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता 46। गाइस, यहां पे पहुंचकर मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि यहां पे हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये फुल नहीं है तो हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं और हम भी देखते हैं, क्योंकि मैं अभी कभी कैफे पहले नहीं आया हूँ। तो गाइस, चलते हैं अंदर। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है, मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लगा अंदर का व्यू। तो गाइस, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक आप लोगों ने इंटीरियर व्यू देख ही लिया होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यहाँ की डेकोरेशन कैसी लगी। अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लिंक दे दूंगा। उसके बाद मुझे मिलती है ये विंडो सीट, जिसका व्यू मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं इधर ही बैठ गया और यहाँ का व्यू इंजॉय कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस, मैंने ऑर्डर किया था जापानीज नूडल्स, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर नहीं करना है। हम लोगों को मैंने आप लोग को बताया था पहले कि मुझे यहाँ से कोलकाता जाना है, आज है न्यू ईयर और वहाँ का व्यू इंजॉय करना है। तो गाइस, हम लोग को वहाँ भी जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे।
गाइस हम लोग नूडल्स खाते खाते क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही लेट हो चुके हैं। हम लोग को यहाँ से कोलकाता जाना है, वहाँ का व्यू एंजॉय करना है, वहाँ का कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करना है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ। तो फाइनली गाइस हमारी कोलकाता में एंट्री हो चुकी है, जिसका मुझे बहुत देरी से इंतजार था। गाइस यहाँ मैंने जब एंटर किया, यहाँ का जो व्यू था ना गाइस, बहुत ही ऑसम व्यू था, बहुत ही एपिक व्यू था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं, और जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं वो इस टाइम में इस मौके पर यहाँ पे जरूर आए होंगे। तो गाइस आज के दिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं यहाँ का व्यू एंजॉय करने, दैट्स व्हाई मैं भी यहाँ आ चुका हूँ। आज के इस रात को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, मानो कि जैसे यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा त्यौहार हो। गाइस यहाँ की जो सजावट है पूरे वेस्ट बंगाल में फेमस है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में गाइस। और यहाँ की सजावट, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। जिस तरह आपने मुझे पहले वीडियो में सपोर्ट किया गाइस, उसी तरह इस वीडियो में भी अपना सपोर्ट बनाए रखे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।